लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से निवेदन करते हैं कि आप अपने संबोधन के लिए कृपया पधारें। जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिनंदन। हम सबके परम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी, सीआईसी सिन्हा साहब, आईसी नीरज गुप्ता जी, इस सभागृह में उपस्थित भिन्न भिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, इन्फॉर्मेशन कमीशन के सदस्यगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है माननीय स्पीकर महोदय का। उनकी काफी व्यस्त दिनचर्या चल रही है इस समय, उसके बावजूद उन्होंने कुछ पल हमें देकर के इस समारोह की शोभा बढ़ाई है और हम सबको प्रोत्साहित भी किया है। जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था कि इन्फॉर्मेशन कमीशन को लेकर के ये वार्षिक समारोह आयोजित किया जाता है, जो एक अवसर भी रहता है विचारों के आदान प्रदान का, कुछ एक चिंतन मंथन करके लेखा जोखा करना कि किस प्रकार की हमारी उपलब्धियां रही, हमारे टारगेट्स किस हद तक अचीव हो सके, और यदि कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो किस क्षेत्र में हो सकती है। इस संदर्भ में मैं ये कहना अनिवार्य समझूंगा कि जब से प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की भागडोर संभाली थी, आरंभिक दिनों में ही उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। अब कई बार इस वाक्य से असमंजस हो जाता है कि इसका अर्थ क्या है, ये मात्र एक काव्य वाक्य है या इसका कुछ अर्थ भी है। यदि आप इसको गहराई से सोचें तो मुझे लगता है कि यदि एक वाक्य में इसकी परिभाषा करनी हो, जैसे कभी कभी मोदी जी स्वयं भी कहते हैं, तो यूं कहा जा सकता है कि सरकार का अभाव भी ना हो और सरकार का अनुचित प्रभाव भी ना हो, और मे बी टू सिंप्लीफाई, अ गवर्नमेंट दैट फैसिलिटेट्स बट अ गवर्नमेंट दैट डज नॉट इंटिमिडेट। आपको इस बात का विश्वास भी रहे कि मेरे टू कम टू माई रेस्क्यू सरकार है, लेकिन साथ ही साथ ये भी रहे कि प्रशासन में उसका अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं। और ये कब संभव है, इसके लिए क्या बिंदु हैं जो इसकी अनुकूलता बनाए रखते हैं? इसके लिए लाजिम है कि अधिक से अधिक पारदर्शिता हो, अधिक से अधिक सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हो, इन पब्लिक डोमेन, अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी हो, जिसे आप सिटीजन पार्टिसिपेशन कहते हैं, अधिक से अधिक प्रक्रियाओं में सरलीकरण हो, जब प्रक्रियाएं लंबी होंगी तो आरटीआई होगा, पारदर्शिता नहीं होगी तो आरटीआई होगा, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश हो। और यदि आप मुड़कर के पिछले 8-9 वर्ष देखें तो अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में इस विभाग ने लिए। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो 1988 में बनाया गया था, पहली बार 30 वर्ष के बाद संशोधित किया गया और अब उसमें कई प्रावधान जोड़ दिए गए ताकि जिससे पारदर्शिता भी होए, जिससे भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति अपना ईमानदारी से काम निभा रहा है उसको उचित वातावरण, अनुकूल वातावरण भी मिले। और इसीलिए एक प्रावधान ये भी जोड़ दिया गया कि रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी आरोपी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार लोकपाल का कानून पिछली सरकार आधा अधूरा छोड़ गई थी, इसी सरकार ने उसकी भरपाई की, उसका कानून बनाया और लोकपाल की संस्था स्थापित की। लगभग 1600 कानून ऐसे हैं जो डीओपीटी और अन्य विभागों के सौजन्य से हटा दिए गए ताकि प्रक्रियाओं में सरलता आए, विलंब ना हो, बहुत ज्यादा टीडियस ना रहे। इसी प्रकार हमारा ग्रीवेंस सेल था, जब ये सरकार आई 2014 में तो मात्र 2 लाख शिकायतें दर होती थी पूरे साल में, अब वो उसकी संख्या बढ़कर के 25 लाख हो गई, क्योंकि उसको वाइब्रेंट बनाया गया, उसकी टाइमलाइन निर्धारित की गई, 4 सप्ताह के भीतर उसका जवाब देना है, जब ना हो सके तो उसका कारण बताना है, और बीच बीच में व्यक्तिगत तौर पर ह्यूमन इंटरफेस करके भी उसको शिकायतकर्ता से वार्ता की जाए, संवाद हो। साथ ही साथ उसको व्हाट्सएप पे भी लाया गया, केंद्रीय सीपी ग्राम के साथ राज्यों को जोड़ दिया गया। और जब मैंने ये बात किसी
पत्रकार वार्ता में कही तो एक पत्रकार ने व्यंग किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार के खिलाफ शिकायतों की संख्या ही बढ़ गई है, 2 लाख से 25 लाख आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसका उत्तर तो बाबा गालिब 150 साल पहले दे गए कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। हमसे तवक्को है, हमसे अपेक्षा है, इसलिए हमारे पास शिकायत की जाती है। क्योंकि और ये मैं मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा, 2014 में जब ये सरकार आई तो बहुत कई बार खेद होता था देखकर के बहुत सारे राज्यों के ग्रीवेंस सेल वेबसाइट्स बने थे लेकिन दे हैड नॉट बीन विजिटेड फॉर ईयर्स टू गेदर। 2-2 साल किसी अधिकारी ने वेबसाइट खोला ही नहीं था देखने को वहां कोई शिकायत दर्ज हुई है। अब जब से उसका केंद्रीकरण हुआ है, जब सेंट्रल सीपी ग्राम, और इसलिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मैनुअल तैयार किए जा रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं, समारोह तो इंफॉर्मेशन कमीशन का, तो ये सारी गिनाने की क्या आवश्यकता है। अब विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें बताया गया बिना तर्क के बिना रैशनल के बात ना की जाए, इसके पीछे एक छोटा सा निवेदन है इन सब बिंदुओं को गिनवाने का कि क्या ऐसा संभव है कि हम RTI दर्ज करने से पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लें, थोड़ा सा होमवर्क कर लें, थोड़ी सर्च कर लें, ये देख लें कि जिस सूचना के लिए हम RTI दायर कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी वेबसाइट पर या पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है, कहीं उत्साहित होकर के हमने जल्दबाजी में तो नहीं RTI दायर कर दिया। और क्या ये मुमकिन है कि हम थोड़ा सा और अध्ययन करके ये भी देख सकें कि क्या इसी सूचना के लिए पहले कुछ हाल ही में तो नहीं RTI दर्ज की गई थी जिससे उत्तर आ गया हो। और ये इसलिए नहीं कि RTI का हमें स्वागत नहीं है, ऐसा कहने से कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, निवेदन सिर्फ यह है कि उससे जितना कम हमारे ऊपर लोड रहेगा कमीशन, उनके आउटकम्स उतने अच्छे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। और इसलिए कुछ इस प्रकार का विचार करना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बावजूद हर प्रकार का सहयोग करने को कमीशन तैयार है। आपको जानकर के खुशी होगी कि निरंतर प्रतिवर्ष पेंडेंसी घटती जा रही है। यदि 2021 में 2021 में 38,000 से अधिक थी, आज 2021-22 में घटकर के 23,000 मात्र रह गई। और इतना ही नहीं, कोविड के दिनों में भी कभी इसके कामकाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई, बल्कि आप चकित रह जाएंगे, मैं ये आंकड़ों का विश्लेषण करता रहता हूं। एक महीना मैंने निकाला था जून का, शायद तब सेना साहब नहीं थे, जून 2020 में अगर आप तुलना करें पिछले जून 2019 की, तो 2020 के जून मास में जब कोविड चल रहा था आपका डिस्पोजल अधिक था संख्या में, यानी नॉन कोविड से तुलना में। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने कोविड के कारण किसी भी दिन या किसी भी तरह से विलंब नहीं होने दिया, बल्कि हो सकता है ज्यादा काम किया हो क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे थे। और ये कोविड के ही दौरान था कि जम्मू कश्मीर में कमीशन सेटल किया गया, क्योंकि अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ और मई महीने में 2020 में आपने बनाया। तो कहने का तात्पर्य कि इतनी समर्पण और इतने संकल्प के साथ ये कमीशन काम कर रहा है, मुझे लगता है हम सबका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि हम इसका सहयोग करें। RTI पहले आपको जाके दर्ज कराना पड़ता था, अब आपके मोबाइल पर वो उपलब्ध है, उस पर ऐप है, आप किसी भी समय, दिन हो के रात हो, देश में हो के विदेश हो, कभी भी आपको कोई के मैंने उस दिन जब ये घोषणा की तो मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान उदय ही रात को 12 बजे के बाद होता है, तो उस समय भी आप दर्ज करवा सकते हैं। इतनी अधिक सुविधा दे रखी है सिर्फ इसलिए कि जैसे मोदी जी ने कहा कि अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी हो, अधिक से अधिक पारदर्शिता हो। और इसलिए बात समाप्त करने से पहले केवल इतना कहूंगा कि अब चूंकि अगले 25 वर्ष में महत्वपूर्ण है, अमृतकाल का है, जैसे CIC साहब कह रहे थे, तो हम कुछ ऐसा करें और इसमें हर नागरिक का सहयोग रहेगा, हर नागरिक की भूमिका रहेगी भारत को शिखर पटल तक पहुंचाने की, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इस कमीशन के कामकाज को और सुचारू बना सकें और कंस्ट्रक्टिव बना सकें, ताकि कहीं यह सुनना ना पड़े कि अनावश्यक काम का भी बोझ हमें दबाए रखता है। अगर ऐसा हम कर पाए तो मुझे लगता है जब अगले वर्ष हम मिलेंगे तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत